मुझे लगता नहीं और कुछ बचा है पूछने के लिए। मुझे एक्चुअली ये 2015 में शायद फर्स्ट टाइम हुआ था और मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं उस समय। फर्स्ट टाइम हुआ था तो मैं यूएस गया हुआ था, तो वहां पे किसी ने मुझे बोला कि आप कोई वहां पे डॉक्टर मिले मुझे, और बहुत पेन था उस समय, तो उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया। उस समय मुझे ही नहीं पता था कि एपिड्यूरल दे रहे मुझे, और बट उससे पेन तो रिलीफ मिल गया, लेकिन वो प्रॉब्लम अंदर जो की थी वो वैसे ही थी। और उसके बाद वापस ये हुआ मुझे इस साल जनवरी में। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल टू बमन ईरानी साहब जो एक्टर हैं। सो उन्होंने मुझे क्यू आई से इंट्रोड्यूस करवाया, नितिश से मेरी बात करवाई, फिर मैं रेगुलर विजिट करने लगा यहाँ पे, कुछ एक्सरसाइज इन्होंने बताई, सो वो मैंने करी, और अब टचवुड काफी रिलीफ है। स्पाइन का इशू ऐसा है कि हम बोलते हैं कोई भी चीज में कि यार ये तो उस चीज की रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है बिकॉज अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गया तो सब कुछ ही धरा का धरा रह जाता है। सो मेरे बड़ी सारी चीजें थी, मेरा शो जो मुझे ऑफर करना पड़ा बिकॉज ऑफ माई इंजरी, और एक तो आपके यू नो बिहेवियर में चेंज आ जाता है, आपको खींच आने लगती है बिकॉज आप हेल्पलेस फील करते हो, आप बेड से उठ नहीं पा रहे हो, और ऊपर से आपको ये बोल देते हैं कि अरे लेटे लेटे वेट बढ़ जाएगा, आप लिक्विड डाइट पे आ जाओ। एक तो आदमी पहले ही पेन में हो, ऊपर से आपको कोई सैलड खाने को दे दे, पेन डबल हो जाती हो। सो वो सब बहुत सारी चीजें मैंने झेली हैं। सो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये बहुत ही गुणी डॉक्टर्स हैं, इनकी जो टीम है और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। मुझे ये था कि नॉर्मली हम कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग पहले तो पेन खत्म करने के लिए आपको पेन किलर देते हैं, सो वो बड़ा टेम्परेरी यू नो ट्रीटमेंट होता है। पर ये लोग क्या है, ये बीमारी को जड़ से पकड़ते हैं कि आपको अगर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो इट मीन्स योर कोर इज वीक, सो दे आर वर्किंग ऑन यू नो टू स्ट्रेंथन माई कोर, और उन सब चीज़ों से बहुत ही फर्क मिला है, पड़ा है मुझे। सो थैंक यू वेरी मच द होल क्यू आई टीम। वर्ल्ड स्पाइन डे पे स्पेसिफिकली तो आपके हिसाब से क्या मैसेज है? देखिए मैं भी उन्हीं में से हूँ जो पहले इग्नोर करते हैं, और बट हाँ मुझे अब जो रियलाइज हुआ दो तीन बार जब मेरे पेन हुआ तो मुझे ये लगता है कि बॉडी आपको साइन देती है। सो मेरे साइटिका जो पेन थी वो पहले लेग में आती है, धीरे धीरे छोटा छोटा साइन मिलता है। मुझे लगता था शायद मैं रनिंग करता हूँ तो इस वजह से मेरे वो होता है, लेकिन बॉडी आपको साइन देती है अगर आपकी लेग में कहीं पेन हो या कहीं स्टिफनेस फील हो आपको आपकी लोअर बैक में। सो यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर, और क्यू आई थिंक इज द बेस्ट। इनसे मुझे तो बहुत तकलीफ मिला है, सो मुझे लगता है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज जब ये बढ़ जाता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए 5-6 महीने बेड रेस्ट वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसको जितना जल्दी शुरुआत में पकड़ लें उतना अच्छा है। एंड थैंक यू क्यू आई वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू।